प्रवाह यूट्यूब चैनल अमृत कुंज नरसिंह पीठाधीश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज के आशीर्वाद और जगत गुरु श्री श्यामदेवाचार्य जी महाराज की स्मृति में शुरू किया गया धर्म प्रचारक हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति प्रवाह बाय अमृत कुंज आज मोक्षदेनी माँ नर्मदा के पावन तट पर हम आ पहुँचे हैं। पितृपक्ष में मोक्षदेनी माँ नर्मदा के श्री चरणों में संपूर्ण घाट और सभी पितरों के स्मृति के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आइए हम माँ नर्मदा मैया के आंचल में और मेरे साथ साध्वी श्री संपूर्ण देवी जी हैं जो कि यहाँ अभी पितृ के स्मृति में सभी पितरों के माँ नर्मदा के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा कथा व्यास श्री साध्वी संपूर्ण देवी जी हैं और अभी दीदी हमें बताएंगी कि कैसे दीदी ने कल्पना की और आगे धर्म प्रचारक और ये मार्ग में कि भगवान की भक्ति में दीदी थोड़ा आप बताएं मुझे और श्रीमद् भागवत कथा कितने दिन का कितने दिवस से है और आगे अपना कैसा क्या कार्यक्रम है आप थोड़ा बताएं। संपूर्ण घाट के पीछे की हमारी योजना मैंने कोई ऐसे योजनाबद्ध तरीके से हमने इस मरुभूमि पे हम नहीं आए कुछ दो चार साल पहले मैं यहाँ पितरों और पूर्वजों के लिए कथा कहने के लिए आई हुई थी और कथा की शुरुआत हो प्रारंभ हो उसके पहले हम माँ नर्मदा जी की आरती में सम्मिलित हुए। जैसे ही मैंने माँ नर्मदा जी के प्रथम दर्शन किए पता नहीं मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई। माँ मुझे ने मैंने माँ नर्मदा जी ने मुझे ऐसा अनुभूत कराया जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ आ करके रहना है और कुछ मेरी अपनी मैंने उनकी अपनी कोई प्लानिंग है मैंने मेरे लिए उन्होंने कुछ सोच रखा है कि मुझसे वो कुछ कराना चाहती हैं और बस मेरे मन को ऐसा लगा कि अब आगे माँ नर्मदा जी की जैसी भी इच्छा होगी। उसी समय हम जगह की तलाश कि हमें कथा कहाँ करनी है ये तो हमारा संकल्प है मित्रों के लिए कथा कहेंगे पर हम स्थान सुनियोजित नहीं कर पा रहे थे। फिर माँ ने ही मुझे हमें अनुभूत कराया कि हमें कथा कहाँ करनी है और कैसे करनी है तो फिर हमने माँ नर्मदा जी का घाट जो है वो एक स्थल है साकेत धाम वहाँ पर हम जो है वो श्रीमद् भागवत की कथा पूर्वजों के लिए कहे और कथा जो है वो पूर्णाहुति के बाद हम फिर वृंदावन जब गए तो वृंदावन में जब मैं पहुँची तो भी मेरा सारा ध्यान जो है वो माँ नर्मदा जी के ही चरणों में लगा। जब मैं उठते बैठते सोते खाते पीते पूरे सुबह 24 घंटे माँ नर्मदा जी मेरे नेत्रों के सामने जो है वो रहती और मुझसे वो कहती कि तुम्हारे लिए ये स्थान नहीं है मैंने वृंदावन जो है वो तुम्हारे लिए नहीं मैंने तुम्हारे लिए कोई और स्थान जो है वो चयन करके रखा है। तो फिर मैंने ये चीज़ें शिरोमणि दीदी से शेयर करी कि दीदी मुझे बार बार ऐसी अनुभूति होती है कि हमें कहीं मैंने माँ नर्मदा जी हमारे लिए कोई स्थान जो है वो चयन करके रखी है और फिर हमारा जबलपुर आना हुआ और माँ नर्मदा जी की कृपा से ये जो आप जिस घाट पे खड़े हैं ये घाट जो है माँ नर्मदा की ही कृपा है और बस उसका प्रसाद है। हम संस्कारदानी जबलपुर के सभी लोगों के लिए ये जीवन में एक लाभ है कि हम सभी माँ नर्मदा पुण्य से लीला माँ नर्मदा के तट पर हमारे रोज दर्शन होते हैं। दीदी आप थोड़ा बताएं कि रोज आपका कैसा अनुभव रहता है जीवन देनी माँ नर्मदा के गोद में आपका आश्रम आप बताएं तो। वैसे तो माँ नर्मदा जी अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है और मैंने जो अनुभूत किया मैं उसे बहुत ज़्यादा वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाऊँगी शायद क्योंकि ये गूंगे का खाए गुड़ के समान है। तो मेरी अपनी आंतरिक अनुभूति इतनी सारी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं हर पल पल माँ नर्मदा जी के उनके चमत्कारों को अनुभूत करती हूँ उनकी कृपा को उनके आशीर्वाद को मैं महसूस करती हूँ। और माँ नर्मदा जी के तट में अभी हमारा पितरों के लिए जो कथा कहना श्रीमद् भागवत कथा करने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि जब हम दो साल पहले जब हम यहाँ पितरों की कथा कहने के लिए जब आए थे तो उनकी कृपा प्रसाद है कि मैंने उनके पितरों की कृपा के कारण माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई क्योंकि कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी पितरों की पुत्री हैं
और जो भी हम नर्मदा जी के लिए उनके पितरों के लिए चढ़ते हैं तो उनकी विशेष कृपा होती है। तो पहले भी हमें अपने पूर्वजों और पितरों की कृपा से माँ नर्मदा, उनके आशीर्वाद से माँ नर्मदा जी का उनकी कृपा मिली। तो हमें लगा कि जब हमने इतना सुंदर स्थान उन्होंने दिया है तो एक बार हमें अपने पितरों और पूर्वजों को धन्यवाद और कृतज्ञता जरूर व्यक्त करना चाहिए। बस इसी भाव से हमने श्रीमद् भागवत कथा यहाँ माँ नर्मदा जी के तट पर आयोजित किया। और दूसरा, माँ नर्मदा जी स्वतः पितरों की पुत्री हैं और कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहला श्राद्ध और तर्पण माँ नर्मदा जी के घाट में ही से ही प्रारंभ हुआ था। सो श्राद्ध और तर्पण की जन्मदिन होने के कारण हमने माँ नर्मदा जी के तट को राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वास होता है। जगत गुरु श्री पूज्य डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज की स्मृति में यह मार्ग माँ नर्मदा परिक्रमा पथ के नाम से रखा जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा की हिंदू धर्म में एक अपने ही विशेषता और लाभ है। मेरे साथ साध्वी श्री संपूर्णा देवी जी हैं जो हमें इस मार्ग के लोकार्पण और कैसे अभी कार्य चल रहा है माँ नर्मदा के तट पर जाने के लिए और परिक्रमा पथ। दीदी जी आप थोड़ा बताएं कि कैसे अपन आगे ये मार्ग का लोकार्पण होने वाला है। ये मार्ग जिस तरह हम चल रहे हैं, एक्चुअल में ये मार्ग जो है हमारे आश्रम की ओर एवं संपूर्ण घाट की ओर जो है वो जाने वाला मार्ग है। जब हम पहली बार इस भूमि में आए तो ये मार्ग जो है वो बहुत क्षतिग्रस्त था, ध्वस्त हो चुका था बारिश से, तो हमें बहुत दिक्कत हो चुकी। मैंने यहाँ तक अप्रोच मार्ग बहुत कठिनाई से, मैंने हम आश्रम बड़ी पगडंडी से और बहुत लाठी और ये लेकर के बहुत मुश्किल तक पहुँच पाए थे, बस एक नाव का ही सहारा था। फिर हम लोगों ने योजना करी आदरणीय शिरोमणि दीदी और हमारे मन में ये संकल्प आया क्योंकि हम शासन प्रशासन के पीछे कहाँ तक हम दौड़ते रहेंगे, क्यों ना ये इस पद का निर्माण हमारे अपने द्वारा किया जाए। तो बस अपनी थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ और माँ नर्मदा की कृपा से जो भी हमारा अपना संकल्प था, इससे ये पथ जो है वो थोड़ा आने जाने लायक हो पाया। और हम भविष्य में चाहते हैं कि इस माँ नर्मदा जी के इस पथ को जगत गुरु डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी के नाम से हम ये अर्पित करें, समर्पित करें। माँ नर्मदा के पावन तट के लिए परिक्रमा मार्ग के नाम से जाना जाए, ईश्वर से यही कामना करते हैं। माँ नर्मदे हर।